लव्य व्यवस्था अध्याय एक। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलवाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुगंधदायक सुखदायक हवन ठहरे, और यदि वह भेड़ों व बकरों का होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उनका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे।